हेलो दोस्तों, चाय कवित्तन में आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए खस्ता कचौड़ी और आलू की चटपटी सब्जी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। आप देखिए मैंने कितने खस्ता कचौड़ी बनाई है। ये बिल्कुल अंदर तक भरी हुई दाल है, सब जगह इसमें है। आप मेरी तरह बनाइए तो बहुत ही टेस्टी खस्ता बनेंगी। इसके लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल और 1 कप मूंग की दाल ली है। इनको मैं 5 से 6 घंटे के लिए धोकर भिगो के रख दूंगी और 6 घंटे के बाद हम एक भगोने में 2 उंगल पानी ऊपर, दाल से 2 उंगल ऊपर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको बॉयल होने देंगे बहुत सिम आँच पे। और उसके ऊपर अगर ऐसे झाग आते हैं तो उन्हें हम हटाते जाएंगे। हमें खुला करके ऐसे ही भगोना 10 मिनट तक इसे ऐसे उबालना है। आप देखिए बस जब तक ये दाल हमारी गल जाए, हमें दाल को बहुत घोटना नहीं है, बस जैसे हाथ से दबने लगेगी हम उसी स्टेप पे इसको रोक देंगे। अब आप दाल गल गई है, इसका मैं पूरा पानी निकाल दूंगी एक छन्नी के अंदर। आप देखिए दाल हमारी बिल्कुल गल गई है लेकिन घुटी नहीं है। इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। मैं चॉपर में, आप देखिए मैंने अदरक और हरी मिर्च को, खूब सारी अदरक और हरी मिर्च चॉप कर ली है। अब हम आधी दाल, जितनी दाल है उसमें से आधी निकाल के हम चॉपर में क्रश कर लेंगे। अगर चॉपर नहीं है तो मिक्सी में भी कर सकते हो। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 सर्विंग स्पून ऑयल लिया, थोड़ी सी हींग डाली, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच सौंफ डाली है और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। बस उसमें से मैंने 2 चम्मच बचा लिया था, बाकी डाल दिया सारा। 2 चम्मच मैंने आलू की सब्जी के लिए बचा के सारा डाल दिया जितना पीसा था। इसके बाद मैं इसके अंदर जो हमने आधी दाल क्रश करी थी वो डाल दूंगी और बाद की जो साबुत दाल है वो डाल दूंगी। हमें इस दाल को महीन नहीं पीसना, हमें दाल को खड़ा रखना है। आप ये देखिए बाकी दाल मैंने इसी तरह से डाल दी है सारी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इसे मिक्सी में भी हल्का सा चला सकते हो आप। अब इसके बाद हम अपने इसमें मसाले डालेंगे। अब मैं थोड़ी सी हींग और डालूंगी, जो आपने पहले डाली थी अब थोड़ी सी हींग मैं और डाल रही हूँ। कचौड़ी के अंदर हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हींग पड़ती है। अब इसमें मैं और मसाले डालूंगी। मैंने 1 स्पून इसमें अमचूर पाउडर अभी डाला है और अब 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इसमें मैं 2 सर्विंग स्पून धनिया पाउडर डालूंगी और 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। आप नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, कम या ज़्यादा आप बीच में चेक करके आपको कम लगता है तो और डाल सकते हो। हम इसको इसी तरह से भूनते रहेंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद मैं तेज आंच पे इसको और भूनूंगी। ये मैं दाल थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ और मैं इसको भून कर फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा सा फ्रीज़र में। और 1 चम्मच अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि हर नमकीन चीज़ में अगर थोड़ी सी हम चीनी डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसको थोड़ी देर भूनने, ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं आधी दाल को मैं फ्रीज़र में डाल दूंगी। जब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है या बच्चे खाने को मांगते हैं तो मैं इन्हें फटाफट निकाल कर बना देती हूँ। तो ये तो दाल मैं 20 कचौड़ी से ज़्यादा का बना रही हूँ। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और डाला, क्योंकि मुझे ये खट्टी थोड़ी कम लग रही थी, और थोड़ा सा नमक और डाला। अब ये हरा धनिया डाल दिया मैंने। इन सबको डाल के मैं भून के रख दूंगी और आधी दाल को निकाल कर मैं फ्रीज़र में डाल दूंगी और आधी दाल से मैं अपनी 20 कचौड़ियाँ बनाऊंगी। ये 20 खस्ते की रेसिपी है। मेरे खस्ते आप 10 दिन तक भी खाओगे तो इसका टेस्ट नहीं बदलता है। आपको अमचूर पाउडर या सौंफ का टेस्ट थोड़ा कम लगता है तो और भी डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सौंफ और अमचूर और हींग, इन 3 चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमारे खस्ता बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम आटा माड़ेंगे। ये मैंने 2.5 कप मैदा लिया है और 1/2 कप सूजी ली है और 1/2 कप ही मैं ये ऑयल ले रही हूँ, लेकिन ऑयल में सारा एक साथ नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डालूँगी।
पहले मैंने इससे पहले आधा चम्मच नमक भी इसमें डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि नमक हमारा दाल में पड़ा हुआ है तो इसमें आटे में कम ही पड़ेगा। अभी हमें बस उस हिसाब तक तेल डालना है कि हमारी इस तरह से मुट्ठी बन जाए। तो हमारा आधा कप से कम तेल लगा है, थोड़ा सा बच गया है। अब थोड़ा पानी ले लेके हम इसको गूंथते रहेंगे। हमें ये रोटी की तरह पतला आटा मारना है, बहुत टाइट नहीं मारना है। इसको मार के अच्छे से फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए अलग रख दूंगी। फिर तब तक हम अपनी आलू की सब्जी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इन टमाटर को मैं चॉप करके पीस लूंगी। अब इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने, 2 सर्विस स्पून, और थोड़ी सी हींग डाली है। अब इसमें 2 सर्विस स्पून मेथी मसाला डाल रही हूँ, जो मेथी की चटनी आती है उसका मसाला है ये, और आधा स्पून जीरा है, और वो जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट है जो मैंने उस समय चॉपर में करके रखा था वही डाला है, और ये टमाटर जो पीस के रखे थे वो डाल दिए हैं इसके अंदर मैंने। अब हम मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच नमक, और थोड़ी सी खटाई। इनको हम खूब अच्छे से भूनते रहेंगे। जब ये भुन जाएगा हमारा अच्छे से, तब इसके अंदर मैंने आधा चम्मच देगी मिर्च डाली है, तो इससे जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा है। अब मैंने 5 टमाटर उबाल के उसमें 3 कप पानी डाल के उसको उसी में डाल दिए थे, तो आप देखिए उसी में ही पानी गर्म हो गया, तो हमारी सब्जी फटाफट बन गई। आप कभी भी जब आलू बॉईल करते हैं तो उसी में भी पानी डाल सकते हैं हाथ के हाथ। अब थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, अब 5 मिनट तक इसे खौलाएंगे। आपको बहुत ही टेस्टी खस्ता के संग ये सब्जी लगेगी। आप पे मेथी मसाला ना हो तो आप मेथी भी डाल सकते हो। ये आटा तैयार हो गया है। हमें कचौड़ी के लिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, एक मुट्ठी जितना आटा लेना है। जैसा कि हमारा मुट्ठी में आटा आता है उसी हिसाब से आटा लेना है। अब थोड़ा सा हम इसको बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच अपना मसाला डाल देंगे, दाल वाला। आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसको बंद कर रही हूँ। बस बंद करते पे आपको ध्यान देना है और धीरे हाथ से बेलना है, बहुत जल्दी नहीं बेलना है। आपको सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देना है, मेरी कढ़ाई बिल्कुल ठंडी है, अभी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं हुई है। हम जितना बेलते वक्त ध्यान रखेंगे उतना ही अपने ऑयल की तरफ ध्यान देंगे। ऑयल हमारा तेज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आप देखिए किस तरह से मैं इसको बंद कर रही हूँ। आप बंद करने का भी तरीका देखिए और बेलने का भी देखिए। बहुत धीरे हाथ से मैं इसको बेल रही हूँ। इसी तरह से हम कचौड़ी अपनी बेलते जाएंगे। अब ये देखिए आधी दाल मेरी ठंडी हो गई है, इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूंगी। अब कढ़ाई बिल्कुल सिम आँच पे है, मैंने बिल्कुल तेज़ नहीं करी है। हम जितना धीमी आँच पे बनाएंगे खस्ता हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपकी कचौड़ी इस तरह से थोड़ी सी फट गई है तो थोड़ा सा मैदा और पानी मिला के इसमें चिपका के रख दीजिए। दोबारा थोड़ी 5 मिनट बाद तलेंगे तो ये फर्स्ट क्लास कचौड़ी बन जाएगी आपकी खस्ता। आप सिम आँच पे इसी तरह से पलटते रहिए, बीच बीच में ज़्यादा करछी नहीं लगानी है। पहला घान बनने में 15 मिनट लगते हैं, लेकिन बाद में 2-3 घान फटाफट बन जाते हैं। लेकिन सबको बिल्कुल सिम आँच पे भून करना है। बस आप देखिए मैं धीरे धीरे से पलट रही हूँ। ये 15 से 20 दिन तक भी आप बना कर रखेंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर आप इनको बनाकर फ्रिज में रख देंगे और बाद में एयर फ्रायर में गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल ताज़ी हो जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अभी 5-10 खाने हैं और बाकी आप उठा के रख दोगे तो दोबारा गर्म करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप ऑयल में डालें। आप एयर फ्रायर में डालें तो बिल्कुल जैसे अभी बने हैं वैसे खस्ता हो जाते हैं एयर फ्रायर में डालने के बाद। आप देखिए कुछ कुछ लाल होते जा रहे हैं, मैं धीरे धीरे उन्हें पलटती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं पलट पलट के सारे खस्ता हमारे लाल हो जाएंगे और ये खस्ता निकल जाएंगे तो दूसरा हमारा फटाफट बनेगा। आप इसी तरह से इसे पलटते जाइए, आपको ये खाने में इतने टेस्टी और स्वादिष्ट लगेंगे। आप किसी भी त्यौहार में
इसको बनाकर खा सकते हैं जब मन करे, कभी बारिश में, ठंड में, किसी भी समय आपका मन करे तो इनको बनाकर खा सकते हैं आप। ये दाल अगर आपके पास बनी हुई है तो बच्चों को इसके पराठे भी भर के बना सकते हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में इसके खस्ता की चाट भी बनाना सिखाऊंगी। खस्ता की चाट भी बहुत ही यम्मी बनती है। आप देखिए, मैं बस खस्ता तलते वक्त ही ध्यान दे रही हूँ कि बस जो हम तल रहे हैं उसमें हम जल्दबाजी ना करें। अगर हम पहली बार हमारी ये खस्ता जब निकल जाएगी तो दूसरी खस्ता हमारी जल्दी बनेगी। हमें बस पहली खस्ता में जितना टाइम लगता है और आगे वाले में नहीं लगता है। देख रहे हैं ये खस्ता धीरे धीरे तल के तैयार होने वाले हो गए हैं। अब इनको हम थोड़ी देर में निकाल लेंगे। और अब हमने जिसके ऊपर मैदा और वो लगाया था पानी हल्का सा फटे हुए को, अगर अब मैं तलूंगी तो क्योंकि 5 मिनट हो गए हैं तो वो भी नहीं टूटेंगी। तो अगर आपका कोई खस्ता बीच में से टूट जाता है तो भी आप टेंशन मत लो, आप फटाफट उनको तल सकते हो। आप देखिए हमारे खस्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप भी अपने घर में बनाइए और अपने घर में मेहमानों को और अपने घर के सभी फ्रेंड्स को खिलाइए। मेरे खस्ता रेडी हैं, मैं इनको इंजॉय करती हूँ और आप भी इंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।